अल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? खैरियत है? उम्मीद है भी आप लोग भी खैरियत से होंगे। और आज हमारा सेकंड ईयर का जो लेक्चर नंबर 18 है, सेकंड ईयर का चैप्टर हम 13 स्टार्ट कर चुके थे, उसके एक ही पैराग्राफ हमने पढ़ा था। और यकीनन आपने निशान नहीं लगाया होगा, चूँकि आपके पास पेंसिल भी नहीं होगी और ढूंढने में 2-4 हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे। नावल का चैप्टर नंबर 13 है, लेक्चर नंबर हमारा 18 है। इट सीम ट्रेजिकली सेंसेशनल व्हेन द ओल्ड ब्रुकफील्डियन वाज किल्ड इन एक्शन इन सितंबर। चिप्स थॉट व्हेन दैट न्यूज केम 100 इयर्स अगो बॉयज फ्रॉम द स्कूल वर फाइटिंग अगेंस्ट द फ्रेंच स्ट्रेंच। इसमें पहले मैं बच्चों, मैंने एक वो दूसरा ट्रायल का नहीं मैंने बताया आपको, लिख लें आप, अजमैशी मुकाबले कंटेस्ट या मैच। इट सीम ट्रेजिकली सेंसेशनल हिजान वाले स्टीरिंग STRRING, एक्साइटिंग EXCITING, शॉकिंग SHOCKING। इट सीम ट्रेजिकली सेंसेशनल व्हेन द फर्स्ट ओल्ड ब्रुकफील्डियन वाज किल्ड इन एक्शन सितंबर। चिप्स थॉट when that news came 100 years ago, boys from the school were fighting against the French strange। कि ये एक बहुत बहुत ही अलमनाक हद तक सनसनीखेज बात लगती थी, जब ब्रुकफील्ड का पहला पुराना तालिब इल्म जंग में मारा गया। सितंबर में जेम्स ने सोचा, जब ये खबर आई कि 100 साल पहले इस स्कूल के जो लड़के हैं वो फ्रांस के खिलाफ लड़ते रहे, इसी तरह इन अ वे दैट द सेक्रीफाइसेस ऑफ वन जनरेशन शुड सो कैंसल आउट दोस ऑफ एनदर। के इसी तरह ये बात बड़ी अजीब थी कि एक नस्ल की कुर्बानियां दूसरी नस्ल की कुर्बानी को या वो ख़त्म कर देंगी कर दे। इन अ वे He tried to express this to Blades, the head of school house, but Blades, 18 years old and already in training for a cadetship, only laughed. What had all that history stuff to do with it? Anyhow, just old Chips with one of his queer ideas, that all. कि उसने जो है वो उसका इजहार स्कूल के हॉस्टल का जो सरबराह था ब्लेड्स, उसके सामने करने की कोशिश की, लेकिन ब्लेड जिसकी उम्र 18 साल थी और जो पहले ही फौजी बनने की तरबियत हासिल कर रहा था, सिर्फ उसने हंस दिया। बहरहाल तारीख के सारे जो मवाद हैं उस मसले से उसका क्या ताल्लुक। बूढ़ा चिप्स और उसके अजीब व गरीब से ख्यालात में से एक ख्याल था, बस यही सब कुछ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1915 armies clenched in deadlock from the sea to Switzerland. The Dardans galloppy military camps springing up quite near Brookfield. Soldiers using their playing field for supports and training. Swift development of Brookfield OTC. Most of the young masters gone are in uniform. Every Sunday night in the chapel after evening service, chatters read out the names of old boys killed together with short biographies, very moving. But Chips in the back pew, कहते ऐसे पीछे बेंच के साथ यह वो लगाना, डो लगाना, ये ओढ़ लगाना जिसको कहते हैं, under the gallery thought they are only names to him,
he doesn't see their faces as I. यहाँ क्वीर का लिख लें बच्चों, क्वीर का लिखो स्ट्रेंज, ऑड ओ डबल डी, इसेंट्रिक ई डबल सी ई एन टी आर आई सी, क्लेंच क्लेंच का लिख लें शट एस एच यू टी, होल्ड एच ओ एल डी, ग्रिप जी आर आई पी, सिक्यूस एस क्यू यू डबल ई जेड ई। उसके बाद है डेडलॉक, तत्तुल को कहते हैं स्टैंड स्टिल, एस टी ए एन डी एस टी आई डबल एल, हॉल्ट एच ए एल टी, स्टॉप एस टी ओ पी, सस्पेंशन एस यू एस पी ई एन एस आई यू एन, और स्टैंड ऑफ ओ डबल एफ। स्टॉपेज भी इसका लिख लें एस टी ओ डबल पी ए जी ई। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंट है स्विफ्ट, तेज को कहते हैं रैपिड, स्पीडली, क्विक, ओटीसी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स अफसरों की तरबियत गाह का दस्ता, बायोग्राफी सवाने उमरी को कहते हैं, लाइफ हिस्ट्री। उसके बाद प्यू सीट या बेंच, इन 1915 आर्मीज क्लेंच्ड इन डेडलॉक फ्रॉम द सी टू स्विट्जरलैंड। 1915 में जो फौजी हैं समंदर से स्विट्जरलैंड तक तत्तल का शिकार रही, और उसके बाद मिलिट्री कैंप्स स्प्रिंग अप क्वाइट नियर ब्रुकफील्ड सोल्जर्स यूजिंग द प्लेइंग फील्ड, और डॉर्डन्स गैलीपोली फौजी कैंप ब्रुकफील्ड के बिल्कुल करीब ही जाहिर हो रहे थे, यानी वहाँ आकर फौजी कैंप आकर लगे। फौजी खेलों और तरबियत के लिए खेल के मैदानों को इस्तेमाल कर रहे थे, और ब्रुकफील्ड के जो ऑफिसर के ट्रेनिंग कोर्स तेज़ी से फैल रहे थे। ज़्यादातर जो नौजवान हैं वो अजासा जा चुके थे या फौजी वर्दी पहन चुके थे, और हर एतवार की रात को गिरजाघर में शाम की जब उनकी इबादत होती ईसाइयों की क्रिश्चियंस की, उसके बाद चैट्रेस मरने वाले पुराने लड़कों के नाम बड़े मुख्तसर सवान उम्री के साथ जो है वो नाम लेता। लेकिन ये जो चिप्स है ये ऐसे पीछे उसके साथ बेंच के साथ टेक लगाकर इसकी आंखों में आंसू आ जाते, और ये रोता और ये कहता कि आपको क्या मालूम, आपके लिए तो सिर्फ वो सिर्फ नाम है, और वो सारे चेहरे उसके सामने थे, उनको क्या मालूम कि इनकी कितनी अहमियत थी। 1916 द सोम बैटल, 23 नेम्स रेड आउट ऑफ संडे इवनिंग टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ दैट कैटास्ट्रोफिक जुलाई, के 1916 में सोम की लड़ाई हुई और एतवार की शाम को 23 लड़कों के नाम पढ़कर सुनाए गए। चैटरेस टॉक टू चिप्स वन आफ्टरनून एट द मिसेज विकेट, के तबाह कौन जुलाई के अख्ताम पर एक सुपहर को मिसेज विकेट के हाँ चैटरेस ने चिप्स से बात की, लेकिन चैटरेस टॉक चिप्स आफ्टरनून एट मिसेज विकेट, ही वॉज ओवर वर्क एंड ओवर वरीड एंड लुकड वेरी इल, कि वो बहुत थका हुआ था, इंतहाई फिक्रमंद था और बीमार लग रहा था। Very ill, to tell you the truth, Chipping, I am not having too easy a time here. I am 39, you know, and unmarried, and lots of people seem to think they know what I ought to do, as I happen to be debit and couldn't pass the blindest MO, but I don't see Why I should pin a medical certificate on my front door? कहता है कि आपको मैं सच बताऊं, चिप्स यहाँ
अब आराम से स्कूल में वक्त नहीं गुजार रहा। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि जो मेरी उम्र है वो मैं जब उस 39 साल बरस का हो गया और गैर शादीशुदा शख्स हूँ। मुझे लगता है कि बहुत से लोग मेरे बारे ये सोचते होंगे कि उन्हें मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन उनको मालूम क्या कि मैं डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ और मैं अंधे तरीन मेडिकल ऑफिसर के टेस्ट को पास नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि अपने मैं सदर जो बड़ा मेरा बड़ा दरवाज़ा उस पर मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो क्यों आवेदन कर दूँ। चिप्स डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट। पहले चिप्स को ज़रा भी इसके बारे मालूम नहीं था, इस बीमारी के बारे मालूम नहीं था। नो एनीथिंग अबाउट दिस। इट वॉज अ शॉक टू हिम फॉर ही लाइट चैटरिस। और चिप्स को इसमें ज़रा इल्म नहीं था और उसको बहुत सदमा हुआ क्योंकि वो उसको बहुत पसंद करता था। द लेटर कंटिन्यूड और बिल आखिर करने बात उन्होंने जारी रखी। यू सी हाउ इट इज़ रास्टन फिल्ड द प्लेस अप विद यंग मैन ऑल वेरी गुड ऑफ कोर्स बट नाउ मोस्ट ऑफ देम हैव जॉइंड अप एंड द सब्स्टिट्यूट्स आर प्रीटी ड्रेडफुल ऑन द होल दे पोर्ड। कि रास्टन ने उसको स्कूल की नौजवान वो कहता है कि जो आपको पता है कि ये सब कुछ मेरे साथ कैसे हुआ, क्योंकि रास्टन ने स्कूल को नौजवानों से भर दिया था। बिलाशबा वह सबसे बहुत अच्छे थे लेकिन अब उनमें से ज़्यादातर फौज में शामिल हो गए थे और उनके मतबादल मजमूई तौर पर काफ़ी खौफनाक हद तक जो है वो ये टीचर हैं। और उसको फिर वाक़या बताता है। दे पोर्ड इंक डाउन अ मैंस नेक इन प्रेप वन नाइट लास्ट वीक सिली फूल गॉट हिस्टोरिकल आई हैव टू टेक क्लासेज माई सेल्फ टेक प्रेप फॉर फूल्स लाइक दैट वर्क टिल मिड नाइट एवरी नाइट एंड गेट कोल्ड शोल्डर्स एज अ स्लेकर आर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग आई कैन नॉट स्टैंड मच लॉन्गर इफ थिंग्स डॉट इम्प्रूव नेक्स्ट टर्म आई शेल हैव अ ब्रेक डाउन। कहता है कि इसको एक वाक्य बताता है कि पिछले हफ्ते एक रात को प्रेप की क्लास पहले भी मैंने पिछले लेक्चर आपको बताया था। ब्रिटेन के जो उनका निज़ाम है उसमें बच्चों को जो है वो सारे छुट्टी के बाद एक बड़े हाल कमरे में उनका बैठ जाना और स्कूल का काम करना और अपने बैग कापियाँ वहीं रख के घर चले जाना। कहता है कि उसने क्लास में उन्होंने कहा कि एक शख्स की गर्दन पर स्याही उडेल दी, अहमक बेवकूफ़ पागल हो गए थे, मुझे खुद क्लासेज लेनी पड़ती हैं। इस किस्म के आमकों की वजह से प्रेप की क्लास नहीं हो लेनी पड़ी है मुझे। हर रात आधी रात तक काम करना पड़ता है और सबसे बढ़कर यह है कि एक सुस्त आदमी की तरह काहली का शिकार हो गया हूँ और मुझसे ज़्यादा अरसे तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर अगली तालीमी मुद्दत तक मामला बेहतर ना हुए तो मेरी सेहत जो है वो मसीद जो है वो बहुत बिगड़ जाएगी। आई डू सेम थिंग विद यू चिप सेट आई होप यू वुड एंड दैट ब्रिंग मी सो वट आई केम हेयर टू आस्क यू ब्रीफली। माई सजेशन इज दैट इफ यू फेल्ट इक्वल टू होते हैं हम पल्ला होना इट एंड सेट वुड केयर टू होप अबाउट कमिंग बैक हेयर फॉर अ वाइल यू लुक प्रीटी फिट एंड ऑफ कोर्स यू नो ऑल द रोप्स। यहाँ रोप से मुराद है मामलात हालात अफेयर्स मैटर्स। कंडीशंस इससे पहले एक ब्रेकडाउन ऊपर वाले में है ब्रेकडाउन का उसका आसाबी कमजोरी को कहते हैं कोलैप्स COLLAPSE इम्पेयर IMPAIR। कहता मुझे आपसे ज़रूरी हमदर्दी है। चिप्स ने जवाब दिया। चिप्स ने कहा मुझे उम्मीद थी कि आप हमदर्दी करेंगे और यही चीज़ मुझे यहाँ आपके पास लेकर आई कि मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूँ कि मुख्तसर ये है कि मेरी तजवीज़ है कि अगर आप ख़ुद को इसके अहल समझें और मेहरबानी करें
तो थोड़े अरसे के लिए यहाँ वापस आप स्कूल में दोबारा आ जाएं। आप काफ़ी तंदुरुस्त दिखाई देते हैं और बिलाशुबा तमाम हालात आप जानते हैं, रूप से जितने भी हालात हैं स्कूल के, जो कंडीशन तमाम को अच्छी तरह वाकिफ है। आई डोंट मीन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू, यू नीड नॉट टेक एनीथिंग स्ट्रेनियसली, हार्ड वर्क डिलीजेंटली, DELIGENTLY, ईगरली ईगर EAGERLY, कीनली कीन KEENLY, एक्साइटेडली। कहते मेरा मतलब ये नहीं है कि आप के लिए बहुत स्कूल में आप आए और बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़े, आपको कोई सख्त मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इधर उधर के जस्ट अ फ्यू ऑड्स ऑड जॉब्स हेयर एंड देयर, कोई इधर उधर के मामूली काम, एज यू चूज जो आप पसंद करें। वट आई वुड लाइक यू फार मोर देन एनीथिंग एल्स इज नॉट फॉर द एक्चुअल वर्क यू डू, दो हैट नेचुरली वुड बी वेरी वैल्यूएबल, बट फॉर यूर हेल्प इन अनदर वेज इन जस्ट बिलोंगिंग हेयर देर इज नो बॉडी एवर बिन मोर पॉपुलर देन यू वर एंड आर स्टिल, यू वुड हेल्प टू होल्ड थिंग्स टूगेदर इफ देर वर एनी डेंजर ऑफ देम फ्लाइंग टू बिट्स एंड परहैप्स देर इज दैट डेंजर चिप्स आंसर्ड ब्रीथलेसली एंड विद होली जॉय इन द हार्ट। इसमें बिट्स का फ्रेगमेंट्स FREGMENTS, पीसेस PIECES, होली विर्चुअस सैक्रेड SACREED, राइटियस RIGHTEOUS। कहते हैं कि वुड इट लाइक यू फॉर मी मोर देन एनीथिंग एल्स, कहते हैं कि किसी भी महज इधर उधर के मामूली काम है और कुछ नहीं है, किसी भी एक चीज़ से ज़्यादा जो चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ वो ये नहीं है कि आप कोई स्कूल में आकर हकीकी काम करें या वहाँ आकर आपको इस तरह के कोई क्लासेस आप पढ़ाएं। अगर ये फितरी तौर पर वो बहुत काबिल कदर होगा, मगर आप मुझे आपकी मदद दूसरे तरीके से चाहिए, बस यहाँ आपका साथ चाहिए। यहाँ कोई भी शख्स कभी इतना मकबूल नहीं रहा जितना स्कूल में आप मकबूल रहे, और आप चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, इकट्ठे रखने की मदद करेंगे। अगर इनके बिखर जाने का ख़तरा हुआ, और गलबन यही खतरा मौजूद है, चिप्स ने सांस लेते हुए बगैर जो है वो उसके दूसरा सोचे बगैर उसने खतरा मोल लिया, और चिप्स ने सांस लिए बगैर और दिल में एक रूहानी खुशी के साथ जवाब दिया कि मैं ज़रूर आऊँगा। बच्चों आज हमारा जो चैप्टर है उसका नावल का वो चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हुआ। बाकी आपके 14, 15, 16, 17, 18, 5 चैप्टर रह गए, और वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम उनको स्टार्ट करेंगे। आगे चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे और ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। आपके 18 लेक्चर हो चुके हैं, और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि मज़ीद 3 लेक्चर में होंगे आपके 21 हो जाएंगे और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, पहले लेसन आपके हो चुके हैं, हीरोज़ हो चुके हैं, और ये बाकी 5 चैप्टर रह गए, ये भी इसमें दिसंबर में कंप्लीट हो जाएंगे। और इंशाल्लाह उसके बाद सनशाइन आपके बच्चों के पास है, और उसमें जो एक्सरसाइजेज हैं ग्रामर की, वो एक्सरसाइजेज आपको करवाई जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।